दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। इतना ही नहीं दोस्तों, किस तरीके से आंगनवाड़ी महिलाओं को एक नया काम सिखाया जा रहा है और इसके बदले में अच्छा खासा मानदेय दिया जा रहा है। किस तरीके से आपको दिव्य जननी बनना है, हार्ट फुलनेस की ओर से 400 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। दोस्तों आने वाले समय में सरकार की क्या प्लान है, आने वाले समय में किन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और इतना ही नहीं कैसे आप अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में बड़ी डिटेल में जानते हैं। तो निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बता दूं कि किस तरीके से दिव्य जननी कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भावस्था से जुड़ी बारीकियों और इसके माताओं और शिशुओं पर पड़ने वाले असर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आसान भाषा में समझाया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य के अलावा उनकी मनोदशा का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने और इससे जुड़े कारगर तकनीकों को माताओं तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए हार्टफुलनेस संस्था की ओर से गाजियाबाद में दिव्य जननी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शुक्रवार को इस कार्यक्रम के पहले चरण में 200 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप एक आंगनवाड़ी बहन बन के अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, या फिर अगर आप दिव्य जननी बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से गाजियाबाद की तरह उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में दिव्य जननी बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। दिव्य जननी कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भावस्था से जुड़ी बारीकियों और इससे माताओं और शिशुओं पर पड़ने वाले असर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आसान भाषा में समझाया गया। साथ ही उन्हें गर्भावस्था एवं जन्म के बाद माताओं और शिशुओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीकें सिखाई गई, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं और माताओं के साथ साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में उन्हें हार्टफुलनेस, रिलैक्सेशन, हार्टिकल्चर, ब्राइटर माइंड्स, पोलैरिटी और चेयर योगा जैसे तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि किस तरीके से आंगनवाड़ी रहते हुए आप बड़े आसानी से लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिव्य जननी कार्यक्रम को की सराहना करते हुए इसे अपनी तरह का पहला ट्रेनिंग कार्यक्रम बताया। इस अवसर पर रूपांश जैन, बाल विहार परियोजना अधिकारी CDPO गाजियाबाद, मुख्य वित्त अधिकारी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के केंद्रक समन्वयक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट गाजियाबाद डॉक्टर अर्पणा चतुर्वेदी और तमाम लोग मौजूद रहे। दिव्य जननी कार्यक्रम का दूसरा चरण 14 से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 200 अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों लोग कहते हैं कि अगर आप खुद एक रेपुटेशन बना लेते हैं, खुद को आपको काम आ जाता है, तो यकीन मानिए आप बड़े आसानी से लाखों रुपये घर बैठे कमा सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी है या नहीं भी हैं, वो भी दिव्य जननी बन के बड़े आसानी से समाज सेवा कर सकते हैं और सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।